ತಲಿಗೆಯು ಶವದಾನವ್ವ ಗೆಳೆಯರ ಮಜೋಡಿದರ ಶವದಾನವ್ವ पानी को इकट्ठा करते ही इस वाली बोतल में, तो ये पानी ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, इसीलिए ताई जी का डिमांड था कि ये वाला पानी मेरे लिए लाना है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट फिर से आ चुका हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। मैं महावीर भी स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से एंड मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम है मोरौड़ा, जो कि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल थली सैंड ब्लॉक में पड़ता है। तो आज के दिन की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के ठीक 7:30 बजे से। हमारे डांड वाली गौशाला है, तो वहाँ हमने आलू बो रखे हैं। तो आलू वालू खेतों में ना कहीं सारे झाड़ होगी, तो उस वाली झाड़ को निकालने के लिए आज हम जा रहे हैं। देखो अभी मैं उधर से ना इधर आ रहा था, तो मेरा पैर यहाँ गया भाई, सीधा नीचे। बाकी भयंकर यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा सांप दिखा, वो सीधा यहाँ छेद के अंदर चले गया भाई साहब। मैं सीधा सीधा आ रहा था और सामने वहाँ पर देखो, मतलब थोड़ा सा ही बचा, मैंने उसमें पैर रख दिया था बट थोड़ा सा बचा भाई, वो सीधा छेद के अंदर चले गया। बाकी आज सुबह सुबह मैंने सांप देख लिया, पता नहीं क्या ही होगा अब। कि अभी पापा आगे से चल रहे हैं, तो पापा पहुंच गए कितनी दूर देखो। जागी दादी तुम्हारा लाठ भी करके और कुछ ही फट उड़ो। बाकी आजकल ना जिन वाले खेतों से गेहूं कटे, तो उन वाले खेतों में आजकल लोग हल लगा रहे हैं और उन वाले खेतों की आजकल लोग बुआई कर रहे हैं। तो आजकल मुइयां भी लगा रहे हैं लोग खेतों में, जो कि झंगोरा और कोदा झंगोरा वाली सार है, तो उन वाली सार में ना आजकल लोग मुइयां लगा रहे हैं। कि देखो इन वाले खेतों से ना गेहूं कटे और इन वाले खेतों की बुआई होगी। बाकी जो झंगोरा वाले खेत हैं हरे भरे दिख रहे हैं पीछे। बाकी आजकल लोग ना गाय बच्ची को पालते हैं, बाकी जब गाय दूध नहीं देती है तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं लोग जंगलों में। कि जो ये वाला अखरोट का पेड़ है ना, पहले जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो इस वाले पेड़ में हम चढ़ते थे और अखरोट निकालते थे बहुत सारे। बाकी कब से मैं इस वाले जंगल में नहीं आया, तो मन कर रहा है इसी जंगल में रहूं। तो देखते हैं अब, मतलब गुड़ाई करने के बाद में आ जाएंगे हमारे गाय भैंस भी यहाँ, तो देखते हैं आएंगे या नहीं आएंगे। अभी पहुंच चुके हम अपनी गौशाला में, और इस वाली गौशाला को ना आपने मेरी बहुत पहले वाली वीडियो में देखा होगा, ये रही हमारी गौशाला। और यहाँ से जाएंगे हम ठीक पल्ली साइड की ओर आलू की गुड़ाई करने के लिए। तो चलिए चलते हैं फटाफट से। बाकी अभी पहुँच चुका हूँ मैं अपने खेत में, और यहाँ देखो आलू की गुड़ाई करनी है हमें इस वाले खेत में। तो यहाँ से देखो ठीक और ये कि नीचे वाला, तो अभी और कोई आए नहीं, बट मैं आ रखा हूँ यहाँ, तो और भी आ जाएंगे तो वीडियो में आगे आपको देखने को मिल जाएगा। देखो एक खेत हमारा ये नीचे वाला है, बाकी इसमें देखो भयंकर कितनी सारी घास हो रखी है। तो इसी वाली घास को ना हमें अभी निकालने हैं और खाली आलू को इसमें रखने हैं। तो जब तक और कोई आते हैं तब तक मैं करता हूँ आलू को गुड़ाई फटाक से, तो जितना भी हो पाएगा करता रहूँगा मैं। और जब लोग मतलब जब पापा और एक दो और भी आने हैं, तो जब वो आ जाएंगे तो फिर मिलाएंगे आपसे सबको। बाकी देखो जी अभी सभी लोग आ चुके हैं खेत में, ये देखो बाकी अभी आलू की गुड़ाई चली रही है, और मैं आ रहा हूँ अपने गौशाला में। यहाँ से मुझे ले जाने की कैतली और चाय गर्म करनी है, फिर करेंगे वहाँ पर नाश्ता। हमारे साथ आ रखे आज एक ताई जी, तो उन ताई जी ने ना आज हमें बहुत सारा हंसा दिया, तो आपको भी हंसाएंगे बाद में थोड़ी देर बाद में। बाकी ठीक यहाँ पर रही हमारी गौशाला, अब चलते हैं गौशाला में और वहाँ से लाते हैं कैतली। तो अभी पहुँच चुका हूँ मैं अपनी गौशाला में, और यहाँ पर कैतली और बाल्टी मैंने यहाँ अंदर से निकाल ली है। अब चलेंगे पहले साइड की और पानी लेकर के, और वहाँ पर बनाएंगे चाय चुई मस्त करके, फिर नाश्ता करेंगे वहाँ पर। बाकी अभी यहाँ पर हो रहा है हमारा नाश्ता, और यहाँ देख सकते हैं ताई जी भी लगे हैं नाश्ता करने पे, और पापा ना नाश्ता नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर हो रही है चाय गर्म। नाश्ता में हमारे आलू और राई की सब्जी और रोटी है, जिसमें मक्खी आ रही है। बाकी अभी इस वाले खेत की गुड़ाई तो हमने पूरी कर ली है, अब चलते हैं नीचे वाले खेत में। का पोड़ा भोसला समेरी आ भो बिगड़ा नी दे ये नी
तो अभी आलू की गुड़ाई भी हो ही चुकी है, थोड़ा बचा हुआ है यहाँ पर। तो तब तक मैं चलता हूँ पानी के लिए उस वाले गद्देरे में और वहाँ से पानी लेकर के आते हैं। वैसे तो पानी यहाँ है बट यहाँ एक छोटा मतलब छोटा सा पानी का स्रोत रहता है, तो भाई जी का डिमांड है कि वहाँ से पानी लाना है। तो चलिए चलते हैं फिलहाल और वहाँ से पानी लाते हैं। वैसे इस बाल्टी में पानी है, देखो इसमें बहुत ज़्यादा पानी है अभी। तो चलते हैं वहाँ से पानी लाते हैं, दिखाते हैं आपको भी उस स्रोत को। बाकी जिस पानी का स्रोत की बात कर रहे थे ताई जी, तो वो पानी का स्रोत यहाँ पर था बट अब के ज़माने में देखो ऐसे स्रोत का पानी कोई यूज़ भी नहीं करता है, कोई पीता भी नहीं है इस स्रोत का पानी। बाकी देखो यहाँ ना पूरा बंद हो गया अब, तो पानी निकल रहा है ठीक यहाँ नीचे पे से। तो चलते हैं और वहाँ पर से पानी क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर से निकलता था पानी। तो अभी भी देखो मैं यहाँ पर से थोड़ा साफ करके पानी दिखा सकता हूँ आपको, अगर होगा आएगा पानी तो। तो ये देखो यहाँ नीचे में पानी मिल गया मुझे, पर यहाँ अंदर ही अंदर जा रहे यार। ये देखो यहाँ पानी मिल गया मुझे। तो ये देखो भाई यार कैसी जगह से आ रहे, बहुत ही डेंजर जगह से पानी आ रहे कि यहाँ पर से ठीक यहाँ पर निकाल लिया पानी बाहर। तो यहाँ पर से इस पानी को इकट्ठा करते हैं इस वाली बोतल में। तो ये पानी ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, इसीलिए ताई जी का डिमांड था कि ये वाला पानी मेरे लिए लाना है। तो चले अब करते हैं इसको फटाक से इकट्ठा। तुम बहुत लफिया अपुर लाखो सो चिचेरी को मगा दाथ रे ने यखा पर सो अब बोला ये तिकी बेल पैंट छे हैं तिकी बेल पैंट छे बोल बाल के तिकी बेल पैंट छे ना चल दिया ते मुयो को एक बेज का बिरो आ पा ते ले गई सवादाना उवा गेले रमा जोडी दार सवादाना उवा रे तो चले जी अब हमारी तैयारी हो गई है यहाँ से घर जाने की, और ताई जी ने ना बहुत अच्छे गीत सुनाए हमें अभी, तो आपको भी शॉर्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अभी भी देखो लगा ही रहे हैं। बाकी अभी यहाँ से तो घर निकल गए, अभी मैं जा रहा हूँ बर्तनों को रखने के लिए गौशाला में। तो ये रहे बर्तन, इनको रखने के लिए मैं गौशाला में चल रहा हूँ, और जो ताई और पापा लोग यहाँ नीचे से चले गए, यहीं मतलब यहीं खेत से सीधे नीचे चले गए,
और मुझे वहाँ से थोड़ी बहुत ऊपर आना, और यहाँ हमारा घोंसला ठीक पीछे इस साइड को। तो क्या करते हैं, अब चलते हैं यहाँ से घर, फिर मिलते हैं आपसे घर में। अब अभी खाना भी नहीं बना रखा है, खाना बनाने हैं घर में भाई। तो टाइम हो चुका है एक, अभी खाना बनाने हैं घर में, तो चलते हैं फिलहाल घर में। बाकी आज तो खेत में मज़ा ही कुछ अलग आया। बाकी ताए और उन्होंने आज खेत में हमें इतना ज़्यादा हंसाया और मज़ा भी आ रहा था भाई काफ़ी सुनने में। तो कहीं कहीं पर मतलब जब वो अपने बारे में बता रहे थे तो तब थोड़ी बहुत मतलब अजीब सा भी लग रहा था। बाकी जब मतलब उसे हंसा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। ताकि मतलब मैंने तो वैसे जल्दी चले जाना था खाना बनाने के लिए घर, बट पापा ने कहा भी मेरे लिए कि खाना बनाने के लिए घर निकल जा, बट मैंने मना कर दिया। मैंने कहा बाद में बना लेंगे खाना को। तो अभी चलते हैं घर में और खाना बनाते हैं।